यूपी बार काउंसिल की चेयरमैन दरवेश यादव हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिवक्ता मनीष शर्मा और दरवेश यादव के बीच बहुत पुरानी दोस्ती थी। सूत्रों के मुताबिक मनीष और दरवेश की कुछ महीनों से आपसी रंजिश चल रही थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उन दोनों के बीच कुछ चल भी रहा था, लेकिन आपसी विवाद ने उन दोनों के बीच खाई पैदा कर दी। हालांकि साथ ही अधिवक्ताओं ने मनीष को फोन किया और पुरानी रंजिश बुलाकर आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही वकीलों की बात पर मनीष आया तो सही, लेकिन गुस्से से लबरेज होकर वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल में गोलियां भरकर आया था। जिस समय मनीष शर्मा ने दरवेश यादव की हत्या को अंजाम दिया, उस समय वहां मौजूद लोगों को जरा भी भनक नहीं थी कि मनीष दरवेश की हत्या के इरादे से आया है। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सभी चौंक गए और आरोपी मनीष ने 3 गोलियां दरवेश को मारी। इसके बाद मनीष ने खुद को भी गोली मार ली। फिलहाल मनीष का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। न्यूज़ डेस्क।